नमस्कार। आज का दिन मंगलवार है, ट्यूसडे, और हमारा जो जर्नी चल रही है मंत्रा की, उसकी आज है मैं शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी हूँ। तो इस मंत्रा को आज यूज़ करिएगा। तो आज देखते हैं आज हमारी गाइडेंस क्या है फॉर द डे। गाइडेंस फॉर द डे इज, जो भी आप नया स्टेप लाइफ में लेना चाहते हैं, पहले आप उसके बारे में डिसाइड करें पहले तो, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करें, लोगों से बात करें उसके बारे में, और फिर कहीं पे भी अगर टाइम इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट करना है, समझ के करें। तो हम शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। एरीज के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। काम पे काम करिए, आप काम करेंगे तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे, और आज हार्ड वर्किंग डे है, मीनिंग आज आपका दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस ये है कि अपने आप को ट्रस्ट करना सीखिए, अपने जो लिमिटेशंस हैं उससे आज निकलने की ज़रूरत है, और अपने काम से ध्यान लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज जेमिनी। जेमिनी के लिए एडवाइस ये है कि हो सके तो आप अपने बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हो नहीं सकता कि वो सारा दिन आपको ऐसा कुछ बोल रहे हो जो आपको बुरा बनाने के लिए हो, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि आप उन्हीं चीज़ों को हाँ करिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं। सब चीज़ों को हाँ कर देंगे तो आप कर नहीं सकते हैं। तो अपने बैलेंस को लूज़ मत करिए। आज के लिए जो काम कर सकते हैं उतने को ही आप हाँ करिए, और म्यूज़िक सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट इज़ लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है, आपको सब आंसर्स पता हैं, आपको मालूम है क्या चीज़ें आप चाहते हैं, तो इसलिए सेलिब्रेट, आप चीज़ें अचीव भी कर पा रहे हैं उसके अंदर बिलीव करिए। नेक्स्ट इज़ वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है कि आपकी जो हेल्थ है वो आपसे कुछ चीज़ें करने की कह रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू एक्सरसाइज, इट कैन बी रिलेटेड टू रेस्ट, इट कैन बी रिलेटेड टू फूड, इट कैन बी रिलेटेड टू कोई ऐसी आपको पेन फील हो रही है जो आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है। सो टुडे इज़ अ डे टू रियलाइज दैट, और उसको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि जो भी चीज़ें आप आराम से खुश होकर करेंगे वो चीज़ें पता भी नहीं चलेंगी, लेकिन जिस चीज़ों को अगर आप इशू बना लेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आज का दिन इन्जॉय करके काम करने का है। नेक्स्ट इज़ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है, बैलेंस करके चलिए। जल्दबाजी में टाइम को ये मत सोचिए कि मेरे को इतना सब करना है, मुझे तो जल्दी जल्दी करना है। वन स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, चाहे धीरे करिए लेकिन गोल से रिलेटेड करिए, लेकिन एक चीज़ ख़त्म होने के बाद दूसरी चीज़ को करिए। नेक्स्ट इज सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है कि अपने अंदर बिलीव करिए, और वाइब्रेंट कलर्स पहनिए, और वाइब्रेंसी से काम करिए, एंड यू विल सी दैट आंसर्स आर कमिंग टू यू। यू कैन डू अ लॉट, बट आपको सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस ये है कि आप इमर्ज कर रहे हैं अपनी पुरानी चीज़ों से, आप इमर्ज कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सन यू आर, सो बिलीव इन दैट। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि हो सके तो अभी अगर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो शांति से अपने काम से ध्यान दीजिए, आंसर्स आ जाएंगे। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि मूड फ्लक्चुएशन से गुस्सा मत होइए, जो आप करना चाहते हैं वो होगा लेकिन मूड स्विंग से कुछ नहीं होगा। तो आज का दिन रियलाइज करने का है कि मेरे को कहाँ से कमी फील हो रही है, वॉट इज़ दैट विल गिव रोमांस टू मी, चाहे वो काम है, चाहे म्यूजिक है, चाहे मेरा समथिंग आई नीड टू डू रिट्रीट है, बट बिलीव दैट यू कैन अचीव इट, एंड देन आराम से उसके ऊपर ध्यान से काम करें। तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।